अमर के साथ जो तुमने किया ना, मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब कुछ माफ है। जो अपनी बहन के साथ ये सब कर सकता है, उसके लिए तो ये सब बहुत कुछ कम है। पागल वो नहीं, पागल तुम हो, बीमार हो तुम, बीमार। छी, हो गया डन, शुरू हो गया, आप हो गए सब की नौटंकी। लाइक ऑलवेज, फिर से आयशा ऐसी है, आयशा वैसी है। क्या चल रहा है? कोई शूट चल रही है? अगर पता चल गया कि मेरी बहन है तो उसको सीधा ले आते ना सामने, इतना ज्यादा नाटक करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, हम तो मजे लेंगे, चटकारे लेंगे। क्या किया है मैंने? हाँ, मेरी बहन है, क्या जुल्म किया है मैंने? मारती हूं, उसे पीटती हूं, अरे रोज उससे मार मैं खाती हूं, उसे घर के अंदर रखती हूं क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है लोगों के आगे उठने बैठने के लिए। प्रोटेक्टिव हूं मैं अपनी बहन के लिए, अपने हाथों से उसे खाना बनाकर देती हूं, ध्यान रखती हूं, संभाल कर रखती हूं उसे। आप लोगों को मेरी बहन की चिंता नहीं है, किसी को उससे हमदर्दी नहीं है। आप लोगों को एक और मौका मिल गया है, एक और चीज मिल गई है जिसे आप मेरे सामने लाकर मेरे अगेंस्ट खड़ा कर दे। बुरे तो आप बस, साईशा भाभी बस। रिश्ते और उम्र का लिहाज कर रहा था इसलिए अब तक चुप बैठा था मैं, लेकिन अब नहीं, अब सबूत है मेरे पास। अब तक सुनता आ रहा था, मरता हुआ छोड़ दिया मुझे वहां पे। आज मैं अगर इस व्हील चेयर पे हूं तो वो आपके वजह से, अगर आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है तो वो सिर्फ आपके वजह से हुई है, सिर्फ आपके वजह से। आज मेरे पास सबूत है भाभी, आज नहीं। समर, समर जस्ट कूल डाउन। समाज इससे ज्यादा क्या गिर सकती है? आपसे ज्यादा गिरी हुई और बेकार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। समर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चिल्लाना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, प्लीज। नहीं, मुझे आज बोलने दो भाई, मुझे आज बोलने दो, आज सबूत है मेरे पास। क्यों बर्बाद की उसकी जिंदगी? जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतनी हैरानी से देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सब पता चल गया तो उसे एक्सेप्ट कर। आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड नाउ। कर लिया एक्सेप्ट, सब एक्सेप्ट कर लिया। अब व्हाट डू यू हैव टू से? इतनी दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है, जब आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी भी तरह से बिहेव करूं, आपको उससे क्या मतलब? सही कह रही हो, जब हमने अपना रिश्ता खत्म कर ही दिया है तो तुम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्या करती हो उससे मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए, राइट? लेकिन जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया है, उस दिन तुम्हें फर्क पड़ेगा। और जब ये बात मेरा लॉयर कोर्ट में कहेगा कि आयशा सरीन अगर अपनी बहन के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो दूसरों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती है, तब तुम्हें फर्क पड़ेगा, तब तुम्हें फर्क पड़ेगा। आयशा सरीन, एलिमनी चाहिए ना, एलिमनी चाहिए, कैश, ज्वेलरी, नवरंग में 50% का हिस्सा, मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये सब चाहिए था ना तुमको। अब आओ, अब देखता हूं कि क्या मिलेगा तुम्हें कोर्ट में। मुझे कहती थी ना लॉ नहीं आता, ये लॉ समझो इस बात को, यू आर फिनिश्ड आशा सरीन, यू आर फिनिश्ड। नहीं कर सकते तुम इस तरह मेरे साथ, नहीं कर सकते। अब आरती का इस्तेमाल करें तुम इस तरह मेरे साथ, नहीं कर। Get off me. Don't even touch me, Aisha. मेकअप उतारने का वक्त आ गया आयशा सरीन, हालांकि तुम्हारा चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, इतना बदसूरत और घिना हुआ, लेकिन सच तो बताना पड़ेगा ना, सच तो बताना पड़ेगा दुनिया को कि असली आयशा सरीन है क्या, गिरी हुई औरत। That's what you are.
आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप मेरे साथ। फिर से रंग बदल दिया आयशा सरीन, तू से आप पर आ गई। अभी तो तू कह रही थी ना, हाँ गिरगिट की तरह रंग बदलती हो तुम आयशा, तुम एक भीगी हुई बिल्ली की तरह हो आयशा, जो अपने मतलब के लिए एक मासूम सा चेहरा बना लेती, लेकिन असलियत में तुम एक जंगली बिल्ली हो, लोमड़ी की तरह मक्कार। देखिए रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे मालूम है कि आपको मुझे बहुत ज्यादा शिकायत, हम बात करके सॉल्व कर लेते हैं। मेरी बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। मैं समर की भी गुनेगार हूँ, मैं समर से भी सॉरी कह देती हूँ, लेकिन आप ये सब मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सुनिए मेरी बात, रुक जाइए, डेविड, मैं यह सबका लिहाज कर रही हूँ कि रिश्ता खत्म हो गया तो दोबारा नए सिरे से बनाओ, इसीलिए कोशिश कर रही थी कि कुछ भी उल्टा सीधा किसी के सामने नहीं आए। पहले इतनी प्रॉब्लम है आप लोगों को मुझसे, ओह गॉड टू हेल, नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं, सब लोग यहाँ सिर्फ मुझे तड़पते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। गिरी भी कह रहे हैं ना मुझे, तो ऐसे लोग तड़पते नहीं है। ऐसे लोग तड़पते नहीं हैं, तड़पाते हैं। You guys just see. खा लो बेटा। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, करण बताओ ना, मैंने नहीं किया। हे भगवान, अच्छी भली लड़की का सत्यानाश कर दिया उस आयशा ने, बड़ा होने नहीं दिया जैसे इसे। बेटा थोड़ा सा खा लो, मैं अपने हाथों से बना के लाई हूँ। हाँ जी, हाँ तो आपने आपने थोड़ी गिराया। किसने कहा कि आपने गिराया? अरे आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, है ना? आप चलो हम खाना खाएं। मुझे नहीं खाना, आयशा को बुलाओ। अब आयशा दी है ना, अभी मीटिंग में गई है, जैसे वो मीटिंग खत्म करके आ जाएगी ना, फिर आप उनसे मिल लेना। अभी आप खाना खा लो, चलो अभी खाना खा, पहले आयशा को बुलाओ। दी मैंने आपसे कहा ना, वो मीटिंग में गई है, जैसे वो आ जाएंगी ना तो हम आपको मिलवा दें, ठीक है? चलो आ जाओ, आप खाना खा लो, आ जाओ। अरे वाह, कितना अच्छा बेड है, कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है। ये देखो, मैं तो जंप भी कर रहा हूँ, इस पे हम खेल भी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। चलो आ जाओ, हम इस पे थोड़ा सा जंप करते हैं, खेलते हैं और खाना भी खाएंगे, आ जाओ। अच्छा ठीक है, ओके। मैं आपको लेने नहीं आऊंगा, आरती दी को पसंद नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे बैठूंगा आग बन करके, आरती दी अपने आप आएंगी और यहाँ पे मेरे पास बैठेंगी और इस बेड पे जंप भी करेंगी। चलो मैंने आग भी बंद कर ली। 1, 2 and आरती दी। आरती दी अब मैं आके खोलूं? देखो मैंने कहा था ना, ये बेड बहुत मुलायम है, इस पे जंप भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, है ना? तो अब खाना खाएं? चलो, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। नहीं। हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़ी खिला रहा हूँ, मैं तो खुद खा रहा हूँ। ये बहुत टेस्टी खाना है, आपको पता है
अगर आप टेस्टी खाना खाते हो ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है तुम्हें भी खाना चाहिए। आपको पता है आरती दी, ये जो सोना आंटी है ना, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। और फिर उसके बाद में आपको चॉकलेट भी देंगी, आपको पसंद है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको भूख नहीं लग रही, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं ही खा लेता हूँ। कोई छोटी बच्ची थोड़ी, मैं खुद से खा सकती हूँ, तुम्हारी दीदी हूँ। ये